हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आइयो बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अभी भाई अपनी आई है गाड़ी खाली होके जामनगर से। ये गाड़ी ड्राइवर का कहना है ये कंपनी में रिजेक्ट कर दी है। किसकी वजह से? मरघाटों की वजह से। कौन कौन से मरघाट? ये तो खाली इतना हिस्सा ही है ना, यही हिस्सा ना, बाकी ऊपर का तो सही है। अरे ये सब बाद में देखेंगे, अभी जितना ही तो जड़ता ही रहेगा। ये तो अपना खराब ही होना है जब चलती ऐसी जगह है। ये वाला उस साइड वाले को, इस साइड वाला पीछे वाला तो सही है एकदम। ये तो नया बनवाया था, ये तो टूट गया था। और ये तो यहाँ तक लगा ही है पत्रा, यहाँ तक ना, ये यहाँ तक, ये कर देते यहाँ तक पूरा चेंज है नी। खाली ये और पीछे का, पीछे का ये तो नया डाला ही था, ये तो नया, ये तो डाला ही था, चेंज ही किया था। ये वेल्डिंग हो जाएगा यहाँ से, ये तो चेंज किया था। मतलब अपना इतना हिस्सा वो, और वो आगे वाला मरघाट उतना उधर आगे का। अच्छा, बाकी सुरक्षा कब खत्म है इसकी? 12वें महीने में। बस सड़ने के लिए तो पूरी सड़ गया, तो वाल बॉक्स भी सड़ गया, पीछे का बम्पर भी सड़ गया, उसमें क्या है, तो बचा है पीछे का बम्पर भी सड़ गया वो तो। ये चलती ऐसी जगह है तो सड़ता ही रहेगा। उधर तो नमक बहुत से चढ़ेगा ही, क्या करेंगे। अब तो कोई नहीं, लगा गाड़ी लेके आ अंदर। अभी वो गाड़ी निकलेगी तब बोला लगा। अरे तू लेके आ, मैं लगवाता हूँ। वो निकालेंगे शाम तक, तो शाम तक थोड़ा, ये लोग ना थोड़े, अपनी ये वाली जो गाड़ी है ना, इसके पैर मारने वेल्डिंग। पैर मारने के लिए क्या, मैंने इसको गुप्ता के पास भेजा था, बट ये आ गया अजगर के पास। और ये अजगर हर भी सुभान अल्लाह आदमी है, सुभान अल्लाह। ये ऐसे आदमी है, एक काम करेंगे चार काम बिगाड़ेंगे। अभी ये वेल्डिंग मार रहे थे, वो वेल्डिंग मारते मारते गाड़ी का जो प्रेशर पाइप आता है दोनों जला दिए। मतलब काम तो वो भी, मतलब जो वेल्डिंग मारा वो भी किसी काम का नहीं मारा। इनको क्या दिखता है, ये फटा है, वो फ्री फेस ली, राड़ ली। वो कहते थे ना, सामने दुश्मन दिखा, बंदूक लौट के यार बस चल लेते, गोली दर 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 दर, कहाँ लग रही, कोई नहीं। कोई काम इनका है, वेल्डिंग मशीन उठाने का, रोड सीधा लेने का हाथ में। मार दिया वेल्डिंग। मतलब गाड़ी लगी हुई को 15 मिनट हुए, 15 मिनट में मैं घर से यहाँ आया। यहाँ आके मैंने देखा भाई वेल्डिंग मारा, बस हो गया, बस एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है। मैं कह रहा मैनेजर साहब, हमारे इलेक्ट्रीशियन साहब पधारे हैं, ये भी बड़े निराले आदमी। जब से इनकी शादी हुई है ना, शादी बीवी आई हुई है, तब से ये भी काम में मतलब एक नंबर। मतलब शादी आने के बाद काम ज्यादा करना चाहिए आदमी को कि कम करना चाहिए? कम कर देना चाहिए। गुप्ता के पास बताया तो था तुझे, वेल्डिंग मारना अच्छे से, ठीक है। मरघाट कहीं से बचे ना इसका। ये दे इधर भी, ये भी इधर भी। सेफ्टी गार्ड इसका लगाना है। कौन सा सेफ्टी गार्ड? वाल में सेफ्टी गार्ड। कौन सा इधर, कौन सा वाल है वो साइड? उस साइड सेफ्टी गार्ड को क्या हुआ है? अभी ये गाड़ी क्या अपनी सेफ्टी गार्ड, हाँ इधर लगाना है सेफ्टी गार्ड। ओ अजगर, इधर सेफ्टी गार्ड मारना है। यहाँ पे सेफ्टी गार्ड अपने को मारना पड़ेगा, यहाँ पे सेफ्टी गार्ड अपने को लगाना पड़ेगा। ये डाल के ना इधर सेफ्टी गार्ड मार दो, और मरघाट की रबड़ लगा दो इधर। और एक काम करना, और अभी तो रिलायंस ने दो नियम और चेंज कर दिए भाई सुरक्षा में। मतलब जहाँ पे छोटी जगह है ना, वहाँ पे भी मांग रहे, यहाँ पे भी लगा देना सेफ्टी गार्ड। अभी ये मरघाट डालोगे ना, अभी ये डालोगे तो इसको थोड़ा नीचे करके, तो यहाँ पे इसके साथ एक सेफ्टी गार्ड मार देना, पाइप, एक पाइप मार देना इसके साथ। नहीं आई है ये वाली गाड़ी खाली होके पंजाब से। इसके टायर देख लेते हैं, इसका काम करवाया था पर ना हल्का हल्का टायर ये गाड़ी दबा रही है, पीछे वाला ये देख रहे हो, एक एक कनोरी, मतलब ये गट्ठे का एकदम सही है, डंडे का, इधर का भी एक टायर बाहर का दबा रही है। आगे के तो सही हो गए क्योंकि धड़ी वड़ी खुलवाई थी ना, पूरा काम करवाया था आगे का, तो एकदम परफेक्ट हो गया, बढ़िया। बाकी सिर्फ जो पीछे डंडा है ना, उसके टायर लग गई है दबाने। अभी मैंने लास्ट टाइम चेक करवाई थी गाड़ी, ये देखो हल्की हल्की कनोरी खाने लग गई है।
हल्की हल्की, बहुत मामूली मामूली सी। भाई पंडित आ गया गाड़ी लेके ऑफिस पे, पर भाई घोड़े का काम एक नंबर हो गया। ये जो घोड़ा है ना, इसको अगर इसकी पहले वाली फोटो दिखाए ना तो देख के नहीं पहचानोगे, मतलब ऐसी हालत थी इसकी। और भाई हाल यार, ये गाड़ी ना अपनी एक्सीडेंट भी बहुत बार हुई, ये 2019 में ना 5 बार एक्सीडेंट हुई थी, 5 बार एक ही ड्राइवर ने 5 बार गाड़ी मारी थी। उसके बाद से तो ये गाड़ी की बेचारी की दशा ही खराब हो गई। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई गाड़ी अगर 5 से 6 बार लगातार ही एक्सीडेंट हो गई तो उसमें क्या कर देंगे फिर। तो सीधी सी बात है, उस टाइम पे मैंने इसका बहुत काम करवाया तो तब भी सही हुई, बट तब से का गाड़ी फिर क्या, जब लग जाती है ना कोई भी गाड़ी, जब एक्सीडेंट होती है और हम उसको पतरे को रिपेयर करते हैं तो वो कमजोर हो जाता है। मानो ये हिस्सा एक्सीडेंट हो गया, इसको हमने रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद गर्म होने के बाद ये चीज कमजोर हो जाती है, तो ये सड़ने लग जाती है, सड़ने तो सड़के खत्म हो जाती है। तो अभी इस गाड़ी के अंदर मैंने क्या कराया, इस गाड़ी के अंदर करवाया अपना पूरा कैबिन का काम। ये आगे का जो हिस्सा है ना, ये पल्ला जाली या ऊपर की प्लेट और ये साइड की नाली, ये सब डाल दिया नया, और आगे का ये हिस्सा भी पूरा नया। बम्पर पुराना वाला ही रिपेयर कर दिया, खाली आगे का हिस्सा नया डाल दिया, साइड के दरवाजे, कांच और जो नालियाँ आती हैं वो सब, और अंदर से डैशबोर्ड डैशबोर्ड का जो पूरा काम था ना सारा करवाया। देखो पुरानी गाड़ी होती है ना, जो पुरानी ऐसी गाड़ी, इन गाड़ियों की बात ही अलग होती है। ये गाड़ियाँ BS4 BS6, जैसे ये घोड़ा खड़ा है नया BS6, इनसे ये गाड़ी लाख गुना अच्छी है, क्योंकि इन गाड़ियों को आदमी जैसे मर्जी एडजस्टमेंट करके चला सकता है काफ़ी। अभी क्या है, बहुत ड्राइवर ऐसे हैं नई गाड़ी देखते हैं वो पुरानी जैसा स्वाद नहीं। इसमें आरामदायक है भाई, चलो शरीर नहीं दुखेगा, आराम रहेगा, गाड़ी चला सकता है आदमी, कूदेगी नहीं ज़्यादा, खींचेगी इसको थोड़ा कम खींचेगा, बट इन जैसा मज़ा नहीं, जो इनमें मज़ा है वो किसी में नहीं। और अभी इसको कलर वलर भी करवा दिया है गाड़ी को, एकदम बढ़िया लग रही है ना, पूरा कलर करवा दिया नया, चेचिस वेचिस मरगाड वरगाड सारा काम हो गया इसका कंप्लीट, A to Z हो गया इसका काम, मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब ये गाड़ी सिर्फ अंदर का जो कोटिंग करना था टंकी के अंदर, मतलब इसका क्या कोटिंग ख़राब हो गया था, तो अभी इसकी कोटिंग भी करवा दी है। अब इस गाड़ी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, अब जो ड्राइवर है इसके ऊपर पंडित, उसने पूरा काम करवाया, क्योंकि देखो पहले वो नई गाड़ी चला रहा था, अभी वो पुरानी, उसने एक काम नहीं इसका छोड़ा, सारा करवा लिया। बट अब भी काम करवा लेता है बंदा, फिर उसके बाद उसको चलना भी चाहिए गाड़ी को, गाड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा है कि काम करवा के खड़ी करके आदमी भाग जाए तो अपना भी मन दुखी हो जाता है कि यार बताओ इतना काम करवा दिया ड्राइवर की मर्जी से और गाड़ी पे चक्कर एक नहीं मारा। बट बाय हाल कंप्लीट हो गई गाड़ी एकदम। ये अपने ऑफिस का काम तो खत्म हो गया, अभी चलते हैं घर पे खाना खाने के लिए। खाना खा के अपने को जाना पड़ेगा रनौली। रनौली में क्या है, जो अपनी गाड़ी लगी हुई है जिसको पैर वेल्डिंग के लिए भेजा है, वो गाड़ी का काम देखना है थोड़ा सा, और उसको इंजन ऑयल देना है, तो इंजन ऑयल ऑफिस से ले जाके उसको दे देंगे तो वो वहीं से परे का परे निकल जाएगा। आर भी देनी है फिर से सर्विस में, गंदी हो गई है बहुत ज़्यादा। बट बात बताऊँ, एक चीज़ और है, ये किसी आदमी ने लीक मार दी। एक तो जलने वालों की कमी नहीं है, जो जलते हैं ना लोग वो ऐसे जलते हैं, पता नहीं क्या, बताओ इसने क्या बिगाड़ा था कार ने, ये किसी ने अपनी चाबी से यहाँ से लेके यहाँ तक लीक मारी, फिर यहाँ से यहाँ तक मारी, और यहाँ पे किसी ने हाथ मार दिया, बताओ। जलने वालों की कोई कमी नहीं है, बताओ, खड़ी गाड़ी में ही मार गया कोई आदमी। ये अपनी बलैरो की डिलीवरी ले ली, अब चलते हैं डीजल डालने। इसमें क्या थोड़ा थोड़ा स्क्रैच पड़ा हुआ है, बट कोई नहीं, इसको छानी देना है, छानी देके एक बार साफ करा लेंगे और चला के देख लेते हैं। बहरहाल इसके अंदर टायर इन्होंने इस बार दिए अपने को ब्रिजस्टोन के, नहीं खाली नंबर प्लेट अपने को पीली मिली। अरे ये नहीं, ऐसे डीजल की टंकी फुल कर ली, 50 लीटर डीजल आया गाड़ी में पूरा 50। पहली बार में मैंने डीजल फुल कराया, बिल्कुल साथ में ही है पंप, जहाँ से गाड़ी खरीदी ना महिंद्रा वाले के शोरूम के बिल्कुल पास में बीपी सेल का पंप, और पूरा 50 लीटर डीजल आया गाड़ी के अंदर। डीजल डाल लिया है, फुल कर ली टंकी, और भाई निकलते हैं अब धनों को लेके घर के लिए। अभी इसको ऑफिस पे ले जाके खड़ा कर दूंगा पहले, क्योंकि इसे छोड़ दूंगा ऑफिस पे। किधर को जाना है, वेदांग भाई, नई वाली बलैरो हमने ले ली है, अभी मैं लेके पहुंच रहा हूँ ऑफिस पे। बट बलैरो में यार 2-4 कमी है, मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा मन को लगी नहीं गाड़ी भाई, बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि एक थोड़ा डैशबोर्ड के ऊपर ना स्क्रैच है, और दूसरा कोई भी गाड़ी खरीदते हैं मीटर प्लेट पे पन्नी आती है, मीटर प्लेट के ऊपर कोई पन्नी नहीं है, सब उखाड़ी हुई है इन्होंने,
और दूसरी बात, ये देख रहे हो कवर, यहाँ से कवर ये देखो, पूरा कवर फटा हुआ है गाड़ी का, कवर फटा हुआ। तीसरी प्रॉब्लम, गाड़ी लेफ्ट साइड ऐसे भाग रही है ना, जैसे चला रहे थोड़ा भी स्टीयरिंग छोड़ दे रहे तुरंत भाग रही है लेफ्ट साइड तुरंत। अभी उधर की साइड जो अपना दरवाजा है उसके ऊपर इतनी दबा के स्क्रैच है कि अंदर से कलर ही उखड़ा हुआ है, पूरा कलर। अभी बताओ, गाड़ी दी, गाड़ी तो पैसा तो नई का ही ली है, बट ये आदमी नई गाड़ी खरीदता है तो उसके ऊपर अगर यही लोग स्क्रैच देंगे इतने डाल के, तो भाई तो पुरानी होने के बाद इसका क्या होगा। मैंने उसको फोन किया महिंद्रा वाले को सीधा, उसको बोला भाई तूने गाड़ी दी है ना, पैसा लिया नई का, पुरानी का पैसा नहीं लिया, मेरे को गाड़ी नहीं रखनी, या तो मेरे को ये सब क्लियर करके दो, नहीं तो अपना गाड़ी लेके जाओ हमारे पास से, अपने को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी गाड़ी की, तुम्हारा तो मैं जुलूस निकाल देंगे अच्छे से। ये क्या बात हुई, मूड खराब कर दिया भाई इन्होंने, मूड खराब कर दिया। ओ भाई अभी मैं आया हूँ विनू भाई के पास डिपराड लेने के लिए, जो नई वाली गाड़ी का कैलिब्रेशन हुआ है ना उसकी डिपराड है विनू भाई के पास, वो लेके नहीं गया क्योंकि मैंने कल ड्राइवर को बोला था कि यहाँ से जाते समय यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी तो फ़ोन कर दी मुझे, तो मैं विनू भाई को फ़ोन कर दूंगा, वो तुझे डिपराड बाहर पकड़ा देंगे और गाड़ी में डाल के डिपराड ऑफिस पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि बलैरो नहीं है, पहले बलैरो होती थी तो बलैरो में रख के ले जाते थे, पर वो बंदा हमारा ऐसा है वो लेकर ही नहीं गया, इधर ही छोड़ गया। अभी गाड़ी निकलने के टाइम पे याद आई उसको, तो याद भी नहीं आई, याद मुझे आई, मुझे पता लगा कि भाई, मैंने उससे पूछा डिपराड कहाँ है भाई, लेके आया ना तो उसके अंदर डाल दे, मतलब ऐसे उससे पूछा कि भाई पाइप के अंदर डाल दे डिपराड, मेरे को ऐसे खाली लगा, तो वो बोला डिपराड तो मैं लेके नहीं आया, याद भूल गई। तो मैं, तू बताने वाला कब था, बोला मैंने सोचा कि आज गाड़ी नहीं जाएगी, कल जाएगी तो कल बता दूंगा। मैं, भाई ये क्या बात हुई, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब जाने वाली है कि नहीं जाने वाली, तू सामान भूल आया तो तू अगले आदमी को तो बता देगा ना, सुबह सुबह बता दे भाई डिपराड की याद भूल गई, तो वो बस क्या करें भाई, भूल गई वो, तुम मतलब बताना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंने पूछ लिया तो उसने मुझे बता दिया, अगर मैं ना पूछता तो वो बताता भी नहीं भाई, कुल मिला के। तो अभी विनू भाई को बुलाया घर से, वो घर से अभी आ रहा है, तो फिर अपने को डिपराड रखी है अंदर, फिर वो ताला खोलेगा तो डिपराड देगा। बताओ यार, आज संडे, ये संडे में हाल होता है अपना, जो आज हो रहा है ऐसा ही होता है अपने साथ ना, क्या है ना भाई, कोई संडे नहीं कोई मंडे नहीं, सातों दिन एक साथ एक से, अपनी कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार की छुट्टी नहीं होती, कोई संडे की छुट्टी नहीं होती, कोई किसी चीज की छुट्टी नहीं, बस सिर्फ पहले मैंने पुराने कपड़े पहन रखे थे तो भाई सोचा कि डिलीवरी लेने जानी है, गाड़ी लेने जाना है, बलैरो लेके आनी है भाई, अभी जिस बलैरो पे घूमना है, तो त्यार श्यार होके गया बलैरो लेने के लिए, वहां जाकर भी मन टूट गया, गाड़ी देख के ही मन खराब हो गया, इतने मैं बोला इतने स्क्रैच गाड़ी के ऊपर भाई, ये तो देखो, नहीं सर कर देंगे, सर कर देंगे, सर कल हो जाएगा, आप आज गाड़ी ले जाओ, कल आप दे देना, कल देख लेना एक घंटे में, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आदमी क्या मतलब अपना, कोई संडे नहीं भाई, एक आदमी मतलब गाड़ी आती है इमरजेंसी में, कोई ड्राइवर आया इमरजेंसी में, बताओ भाई इमरजेंसी में आई गाड़ी, उसका हमने काम करवा दिया, चलो भाई गाड़ी लगवा तो इमरजेंसी में ये काम करवा ले और चला जा, जिस गाड़ी का काम हम पहले से करवा रहे, उस बंदे को सामान दे दिया, टोटल चीजें दे दी, और रनौली से निकलने से पहले सामने वाले आदमी से पूछा कि भाई कोई कमी तो नहीं बची, कोई कोई चीज, कोई कमी, कोई पेशी, कोई ऐसी चीज बच गई हो कि जो तेरे को समझ आए कि मानो मैं भूल गया कोई सामान। अभी ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा तो ड्राइवर को तो याद रहेगा भाई, मैं मेरे को ये सामान नहीं मिला, चार बार पूछा डिपराड का, डिपराड का भी उसको नहीं पता, बोलने के बाद भी डिपराड का नहीं पता बंदे को, अभी मैंने पूछ लिया तो उसने मेरे को बता दिया, तो चलो मैं आ भी गया, अभी विनू भाई को घर से बुलाया, वो बंदा भी मेरे को फोन पे बोला यार साबा भाई संडे के दिन तो पकस दो, मैं मुझे आज के दिन तो घर वालों के पास साथ रहने, तो बाकी दिन तो नहीं छोड़ते। मैं यार हम भी क्या करें, आप भी आ जाओ यार, 10 मिनट का तो काम है, ताला खोल के डिपराड देनी है, दे दो। उसके बाद प्रेशर का काम, दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलती हैं, तो बंदा प्रेशर का काम, जब आज 4 दिन से आप एक गाड़ी का काम करा रहे हो तो आपको पता है मेरी गाड़ी का प्रेशर लीकेज है, मिस्त्री ने आपसे 4 बार पूछा, जब कल भी मिस्त्री ने पूछा, कल भी मिस्त्री ने पूछा कि भाई गाड़ी ओके है,
क्योंकि कल मिस्त्री आया था उसकी ब्रेकें सेट करने के लिए, मतलब मैंने गाड़ी क्या थोड़ी आगे पीछे करके देखी थी ना, तो किसी में थोड़ी ज्यादा लग रही थी किसी में थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने उसको मनोज भाई को बुलाया, मैं भाई ब्रेकें सेट कर दो। मनोज भाई आए, ब्रेकें सेट की, तो मनोज भाई ने फिर ड्राइवर से मिले कि भाई कोई सब सही है ना, प्रेशर व्रेशर सब बराबर है ना, पाइपलाइन नया बनाया, सब ओके। मनोज भाई चले गए, जैसी 11 बजे मैं ऑफिस आया, मैंने पूछा हाँ भाई चलो मतलब गाड़ी साफ कर लो, पूजा पाठ होगा, गाड़ी जाएगी तुरंत, मेरे को भाई इसका तो प्रेशर लिख लीजिए, 5 मिनट में तो प्रेशर जीरो हो जाता है। अभी मैं तुरंत मनोज भाई को फोन किया, मैं बोला भाई मनोज भाई जब तुमने काम किया तो इसको चेक क्या किया, गाड़ी में चेक क्या किया, इसका तो प्रेशर लिख लीजिए। बोला साहब भाई मैं अभी ब्रेकें करके गया ना, मैं तभी गाड़ी को देख के तभी मैं ड्राइवर से पूछ के गया हूं कि भाई प्रेशर तो नहीं लीक कहीं से, कोई कमी तो नहीं है, मैं आया हूं अभी। फिर वो बेचारा घर से आया, फिर दोबारा उस बंदे ने उस गाड़ी का काम किया, काम करके चेक किया, चेक करने के बाद खुद उसने चेक करके बंदे की ड्राइवर की वीडियो बनाई मेरे को भेजी कि साहबो भाई देखो अब इसने मुंह से बोला ओके, सबूत रखा उसने मतलब कि हाँ भाई इसने ड्राइवर ने ओके बोल दिया। बस अभी मैं डिपराड के लिए खड़ा हूं, यहां से डिपराड लूंगा, ऑफिस जाऊंगा, डिपराड दूंगा, फिर कहीं जाके मेरी जान छूटेगी, मतलब मेरी छुट्टी होगी, छुट्टी भी क्या होगी पता नहीं, फिर क्या बोले यार आदमी, बस यही है हमारी लाइफ। लो भाई अभी मैंने डिपराड ले ली है, रख ली है, अभी खाली है डिपराड देनी है गाड़ी को, तो अपनी तरफ से वो गाड़ी 100% रेडी है। अब वो कुछ नई बात बता दे तो बात अलग है, बट अपनी तरफ से वो गाड़ी एकदम रेडी है, पूरा काम हो गया, आखिरी सामान है ये जो मैंने उसको देना है, बस वो देखे अपना काम खत्म। और जो अपनी दूसरी वाली गाड़ी थी जो मैंने गुप्ता जी के पास भेजी थी, जो पैर अपने हो गए थे क्रैक, उसके लिए भेजी थी गुप्ता जी के पास, वो गाड़ी का भी काम हो गया है पूरा। और अभी रास्ते में आते आते उसका भी लीक हो गया था प्रेशर, जो बोला वेल्डिंग मारा है प्रेशर लीक हो गया, तो वो अपना मिस्त्री के पास गाड़ी भेजी, तो मिस्त्री ने उसका भी काम कर दिया है, मतलब जो प्रेशर लीकेज था उसका काम कर दिया है पूरा। तो आयल देना था तो वो भी मिस्त्री को भेजा मैंने, मैं तो ऑफिस जा, ये फिर ऑफिस पे जाएगा, फिर ये आयल डाल नहीं पाएगा, फिर तेरे पास गाड़ी आएगी, तो तू ऑफिस पे जा इंजन आयल लेके आ। तो वो गया ऑफिस से इंजन आयल लिया, अभी उसने लाके उधर लाके दे दिया, डाल के कंप्लीट कर दी। भाई अपनी तरफ से गाड़ी रेडी है, अब ऑफिस पे भी बता दिया भाई गाड़ी का काम हो गया, गाड़ी रेडी है, जब आपको भेजनी है आप भेज देना भाई, अभी बात कर लो आप ड्राइवर से। अभी वो बोला मैं डीजल के लिए खड़ा हूँ, तो एक बार और जाके उससे पूछ लेते हैं कि भाई काम हो गया ना, क्लियर हो गई ना गाड़ी तेरी। तो भाई अभी अपना काम खत्म हो गया, डिपराड लेके आना था, डिपराड लेके लाके रख दिया गाड़ी के सामने, अभी ये जाएगा तो ये ले जाएगा, बाकी अपने को फोटो डालनी थी स्टपनी की और छोटे मोटे सामान की, जो सैफ ने सुरक्षा किया था ना, तो गाड़ी में तब स्टपनी नहीं थी क्योंकि मैंने स्कंजा नहीं था लगवाया, तो अभी उसको फोटो भेजनी थी भेज दी, बाकी अपनी गाड़ी एकदम कंप्लीट है। अब चलते हैं वापिस, का काम हो गया ना पूरा, हाँ। कुछ बचा तो नहीं ना? नहीं नहीं, सारा हो गया है हमारे हिसाब से, सब हो गया। तुम्हारे हिसाब से ही सारा होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से सारा होना चाहिए काम, पूरा हो गया ना अभी, हाँ। प्रेशर का भी कर दिया ना बंदे, हाँ। ने आगे। चलो भाई अभी इस गाड़ी का काम हो गया अपना, वेल्डिंग वेल्डिंग का भी पूरा हो गया जो होने वाला था, और मार दिया ना प्लेट अभी, हाँ बस तुम्हारी तसल्ली हो गई ना अब। चलो भाई अभी इनकी तसल्ली हो गई, अपनी गाड़ी अभी चली जाएगी, शुक्ला का कोई बंदा जाना है उसके लिए खड़ा है, बस अभी शुक्ला का बंदा आ जाएगा तो ये गाड़ी अपनी चली जाएगी कंप्लीट, ठीक है। चलो भाई हम भी चलते हैं, अब हमारा काम मतलब गाड़ियों का काम अब ख़त्म हुआ है, वो भी सिर्फ ये वाला थोड़ा, जो मतलब एक दो गाड़ी जाने वाली थी ना, जैसे कि मतलब ये गाड़ी जाने वाली थी, एक वो नया वाला गाड़ी अपने को रेडी करने का था, तो अभी कुल मिला के मतलब ये वाला काम मैंने ख़त्म कर दिया है, बाकी रेगुलर काम तो भाई आना ही रहना है अपने साथ। ओके भाई चलो अभी चलते हैं, आज वैसे नवरात्रि भी चालू है इतने टाइम से वेदांगर के साथ, हर बार वो लोग बोलते हैं कि तू चलता नहीं हमारे साथ, तो अभी देखेंगे उनके साथ जाऊंगा, अभी फ्री हो गया हूँ तो, क्योंकि भाई नवरात्रि भी तो देखनी चाहिए, बड़ौदा की नवरात्रि देखने वाली होती है भाई, औरों की तो ठीक है पर बड़ौदा में नवरात्रि गजब, मतलब ऐसी नवरात्रि होती है ना कि कोई आदमी बोल नहीं सकता, मज़ा आ जाता है देख के, घूमना फिरना। अभी क्या है वेदांगर तो खेलने जाते हैं और अपने पास भाई टाइम नहीं लगता,
क्योंकि वहाँ पे 7 बजे जाना पड़ता है, 8 बजे वहाँ पे शुरू हो जाता है प्रोग्राम। बाद में क्या इतनी भीड़ होती है ना, इतना ट्रैफिक हो जाता है, जा नहीं सकता। बड़े बड़े ग्राउंड फुल हो जाते हैं भाई, इतने लोग जाते हैं, इतनी पब्लिक जाती है ना, क्रेज है नवरात्रि का, बहुत बड़ा क्रेज है खेलने का। तो अभी चलते हैं पहले फ्लैट पे, फिर उसके बाद देखेंगे। कसम से ना पागल लोगों की ट्रिपल सवारी है, ट्रिपल ट्रिपल सवारी, पर गजब है।